सब हमारे को ये रूम मिला हुआ है, हेलो रूम नंबर टू, और इसके अंदर में हेलो रूम अच्छा लग रहा है, पूल में मजा आया? हाँ। बहुत मजा आया। अबे छोटे छोटे स्विमिंग कर रहे हैं, अजीब है। रेनू हेलो स्विमिंग कर। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के दिन का प्रोग्राम बता दूँ आपको, आज है 12 अक्टूबर, यानी कि आज का दिन है दशहरा का, और आज हमारा प्रोग्राम है सुबह सुबह एक फैमिली आउटिंग करने का। तो इसीलिए ये पहले आपको मैं घड़ी दिखा दूँ, ये देखो यहाँ बज रहे हैं 7:15, और हम लोग एक अपने, पहले भी आपने देखा है मेरे एक फैमिली फ्रेंड है, उनके साथ में उनकी फुल फैमिली है और हम लोग हैं, और हम लोग सब जाएंगे एक रिसॉर्ट में। पिछली वीडियो में आपने देखा ही था कि मैं अपने राइडर ग्रुप के साथ में गया था, और सेम उसी माधवगढ़ रिसॉर्ट पे मैं आज जा रहा हूँ पूरी फुल फैमिली के साथ में। हुआ क्या कि हम लोग जब घूम के, हमने बताया कि ऐसे ऐसे है, तो सबने प्लान किया कि चलो यार बहुत अच्छी जगह है, चलो हम लोग वहाँ पर चलते हैं, हम थोड़ा सा हम लोगों का भी जो है आउटिंग हो जाएगा, बहुत टाइम से कहीं गए नहीं है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। तो बस अभी हमारा जो है ये आ गया है चाय यहाँ पे, और ये बिस्कुट, और हमारे साहबजादे जी तैयार हो रहे हैं, बाकी लोगों सबको फ़ोन कर दिया है, वो लोग भी तैयार हो रहे हैं। तो फटाफट यहाँ से रेडी होकर चलते हैं। और एक चीज़ और आपको मैं बताऊँगा, वो बाद में बताऊँगा, अभी नहीं, रास्ते में पहले हम वहाँ पे जाके निकलते हैं, रेडी होते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका एक नए दिन के ब्लॉग में शुरुआत में स्वागत है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं आ गया हूँ पार्किंग, और यहाँ से एक मेरे फ्रेंड की कार है, वो लेके आज मैं निकलूँगा, तो क्योंकि अंदर काफ़ी अंधेरा है, तो चलिए चलते नीचे गाड़ी के पास। पार्किंग से गाड़ी निकाल ली है, और इस वक्त मैं गाड़ी में हूँ, और सामने जो है अभी सड़क बिल्कुल खाली है, तो फटाफट से हम अपने पैसेंजर्स को उठाएंगे और चलते हैं अपने एक्टिविटी फार्म। पहले पब्लिक को उठाते हैं अपनी, उसके बाद चलेंगे। तो घर में पहुँच गया हूँ, और ये है टाटा पंच, तो आज हम इसमें लेके जाएंगे और गाड़ी के अंदर चल के बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, और इस वक्त हम सब बैठ चुके हैं गाड़ी में, और ये देखिए ये हमारे छोटे साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और ये पीछे बैठते गाड़ी ठोक दी, बताओ भाई साहब। सो वैसा गाड़ी ठोक गई पीछे, एनीवेज ज्यादा लगा नहीं, ऐसे ही हल्की सी, कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ ना करते हुए निकल पड़ते हैं अपनी ही डेस्टिनेशन के। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, हमारे यहाँ पे कौन आया है, ये है नूर सुबा। नहीं, नूर साहब, नूर साहब, नूर साहब, यार मैं हमेशा गलती कर देता हूँ, नूर साहब और नूर सुबा के अंदर में ना गड़बड़ हो जाता है। और नुसाइबा के लिए ये ट्रिप हुआ है जी, और उसी का नाम भूल जाता हूँ, बताओ। ये एक्चुअली क्या होता है, ये बैंगलोर में पढ़ती है स्कूल में, और ये इतनी मतलब क्या कहते हैं स्मार्ट है कि अकेली ट्रैवल करती है वहाँ से। लेकिन चलो, हम लोग तो बुढ़े हो गए हैं, बच्चों का टाइम है, बच्चे कर रहे हैं, अच्छी बात है। और ये साथ में हमारे ये एक है, नहीं छोटे साहब तो यहाँ बैठे हैं, वहाँ पे हैं, एक है सलीमा जी और दूसरी है नतालिया जी, और ये तो हमारी मैडम आपको पता ही है। तो एनीवेज अब चलते हैं आगे। हम लोग ना पहुंच गए हैं कनॉट प्लेस, ये देखिए ये है LIC बिल्डिंग, कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल में, और
हमारे साथ में जो दूसरी गाड़ी थी ना वो काफ़ी आगे निकल गई है, क्योंकि थोड़ा सा क्या हुआ कि ना मेरे यहाँ पे कुछ साफ सफाई करने में दिक्कत हो गई थी, मतलब वो कार साफ करने में टाइम लग गया, तो इस वजह से हम हो गए लेट, तो वो लोग निकल गए हैं। तो एनीवेज फ़िलहाल आप यहाँ पे इंजॉय करो कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल और हम चलते हैं आगे। टिकली गांव और यहां पर जो है ये देखिए पूरा टोटल ऑफ रोड देख रहे हो, ये टोटल ऑफ रोड है और सामने ये बस जा रही है हरियाणा की। ये टिकली गांव है बेसिकली, और टिकली गांव के अंदर में ये है और इसमें यहां देखो यहां पे ये होर्डिंग लग रही है माधवगढ़, और अब हम बस माधवगढ़ पहुंचने ही वाले हैं। सो हम पहुंच गए हैं माधवगढ़ फार्म और ये है सामने फिलहाल तो ये होर्डिंग लगी हुई है, और अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं नाइट स्टे। तो नाइट स्टे के लिए जो है अभी हमें 12 बजे तक वेट करने के लिए बोला है, सो हमने अपनी गाड़ी कर दी है यहाँ पे पार्क। और सामने ये देखिए ये व्यू नज़ारे देखिए, पीछे जो है ना ये सारा का सारा जो है ये सब पहाड़ है और खेत है, और इस पहाड़ों के अंदर में बिल्कुल बीचों बीच छोटा सा देखिए ये लहरा रहा है हमारा तिरंगा। मैं GoPro में जो है इसको जूम नहीं कर पाऊँगा, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए, आप देख लेना ठीक है। तो अब हम चलते हैं अंदर, और यहाँ पे चारों तरफ जो है ना सिर्फ खेती खेत है, तो यहाँ पे आपको जो है ना इस तरह के ट्रैक्टर वगैरह नज़र आएंगे, और ये देखिए यहाँ पर ये फार्मिंग करने के लिए जाते हैं। और ये देखिए ये है हमारा माधवगढ़ फार्म का एंट्री गेट, ये इधर और इधर सब कुछ बिल्कुल अलग ही लेवल का है, खाली खाली, और ये हमारे जो गैंग यहाँ पे बैठा हुआ है। तो अब हम चलते हैं अंदर। तो ये हम एंट्री गेट में जैसे ही घुसेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपको टिकट काउंटर नज़र आएगा, और जहाँ पे ये मिलेंगे हमारे विपिन जी और ये भाई भी हैं साथ में। हेलो नहीं, हेलो कर दो भाई। तो ये विपिन जी जो है अच्छा कैमरा कॉन्शियस है, अच्छा अच्छा तो भाई तो आप फेमस हो जाओगे, तो आपके साथ में हम भी तो फेमस हो जाएंगे।
तो यहाँ पे जब भी आएंगे आपको विपिन जी सुबह से लेके शाम तक यहीं मिलेंगे जी बिल्कुल। और जो भी टिकट वगैरह होता है वो यहीं पे होता है, सारे आपके यहाँ पे सारे ऑप्शंस होते हैं, मतलब ऑनलाइन कैश सब सारी चीज़ें होती हैं सर, ऑनलाइन भी है, कैश भी है, कार्ड भी है, UPI सारे ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है पेमेंट के सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, तो इसीलिए टेंशन नहीं है, बस आपको घूमने आना है तो फटाफट से आ जाओ। और यहाँ पे घुसते के साथ ही सामने आपको ये छोटी सी कार मिलेगी, हालांकि ये टाटा नैनो नहीं है लेकिन रीवा है, महिंद्रा ये महिंद्रा का रीवा है। और इस तरह के अंदर जो है और भी कई सारी चीज़ें मिलेंगी, तो हम अब चलते हैं अंदर की तरफ। और ये देखो सामने कितना पुराना था, ये क्या है, लकड़ी का फ़ोन है भाई साहब। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी हमारे को अंदर। और यहाँ पे अच्छा ये अली भाई है यहाँ पे, ये सब ये कह रहा है कि लकड़ी का फ़ोन है तो कम से कम इस्तेमाल तो कर लूँ। कहाँ मिला रहे हो, राजस्थान मिला रहे हो क्या? हो गई देव, किससे बात हो रही है, मोदी जी से बात हो रही है या इससे इंदिरा गांधी से? तो चलो जी अब यहाँ से हम निकलते हैं। और यहाँ पे देखो ये भी सेल्फी ले रहे हैं, और ये भाई साहब जो है ना कई जगह पे मिलेंगे हमारे को बताते हुए कि इस तरफ जाना है। तो अब हम आगे चलते हैं अपने हाँ बेटा आ रही हूँ पीछे पीछे एंट्री गेट की तरफ। हाँ, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। ऐसे ही हम अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले ना हमारे को ये देखिए यहाँ पे ये तितली नज़र आ रहा है कि बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ पर, और बिल्कुल ग्रीनरी ही ग्रीनरी। और सामने जो है ढोल की आवाज़ आ रही होगी आपको, जो लोग एंट्री कर रहे हैं वहाँ पे वो सब वहाँ पे उनका वेलकम हो रहा है ढोल के साथ। और हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये है हमारी छोटी सी बच्ची माहिरू, और ये उससे छोटी बच्ची, और ये इनकी बड़ी बहन जो कि गलती से मम्मी है, और ये हमारी दादी सबसे बड़ी, ये है सबसे बड़ी आंटी दादी। अब वो कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो, अंदर चल के बात करेंगे। ओ माय गॉड गुस्सा आ रहा है। और ये यहाँ पे घुसते के साथ ही सबसे पहले आएगा ये वाला साइकिल। और देखिए अरे ये तो हम इनको तो इंट्रोड्यूस कराना भूल ही गए। हेलो हेलो लीडर लीडर हेलो। और ये इनकी मम्मी, ये मम्मी है कौन है समझ में नहीं आ रहा है। हेलो तो चलो अभी जो है हम अंदर चलेंगे, फिलहाल भूख लग रही है कि सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं है। और जैसे ही हम अंदर घुसे ये कारपेट बिछा रखा है, और ये सारी हमारी गैंग आ रही है, और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बेटा अंदर से आओ, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, शायद और कोई बन रहा होगा यहाँ पे। तो फिलहाल जो है यहाँ पर ये तिरंगा थीम दे रखा है और सारे फूल लगे हुए हैं इसमें। हमें निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया था, वैसे तो 7 बजे हमें निकलना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम घर से निकले 7:30 बजे, आधा घंटा लेट हो गए थे। तो एनीवेज तो वहाँ से अब हम आ गए हैं यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे और कुछ बन रहा है।
अब आगे म्यूजिक चल रहा है तो इसलिए कॉपीराइट को सेव करने के लिए यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ। अंदर आते ही सबसे पहले हमारे को ये सारे होर्डिंग मिलते हैं कि कौन सा एक्टिविटी कहाँ पे है, तो अभी फ़िलहाल जो है ये इधर दिखा रहा है तो हम यहाँ चलते हैं। अंदर एंट्री करने के बाद में पहले तो हमें वहाँ पे स्विमिंग पूल देखने को मिला और उसके बाद में यहाँ पे है फूड कोर्ट, क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, सब परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ में मेरे हैं, तो सब ने कहा कि चलो पहले कि हम ना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद फिर हम जाएँगे, क्योंकि ना चाय पिया है ना कुछ पिया है, कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर ये हैंड वॉश और ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पर है और ये कुछ सिटिंग एरिया बना रखा है, वहाँ पर सारे टेबल्स लगे हुए हैं ब्रेकफास्ट के, तो जल्दी से हैंड वॉश करते हैं और जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो ये है फूड कोर्ट माधवगढ़ का, यहाँ पे सब जो है जितना भी आते हैं रेगुलर वाले वो यहीं पे अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और सामने जो है वो एसी रूम है, दोपहर को जब काफ़ी गर्मी होती है या जगह नहीं होती है तो वहाँ पे चले जाते हैं, तो वो भी एक रूम है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। फ़िलहाल जो है हमारे पास यहाँ पर ये कुलचे छोले हैं, कुलचे हैं ये, तो ये कुलचे अभी गर्म हो रहे हैं। यहाँ पे ये घी घी है, बटर है, ये बटर है, बटर है, और इसको लगा के इस तरह से और यहाँ पे रख रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास में है अचार, चीनी, दही, पोहा। अभी मीठे में कुछ आया नहीं, अभी मीठा आएगा, मीठा मीठा सही मिलेगा, वो हलवा वगैरह नहीं है, वो आगे लग रहा है। अच्छा हलवा आ गया है, तो यहाँ पे अभी पूरी का ये खाली पड़ा है, यहाँ पे हलवा, छोले, कद्दू की सब्जी। अच्छा ये कद्दू की सब्जी है, ये आलू की सब्जी, ये आलू की सब्जी है। ओके क्या खाना है बेटा आपको? चीनी खानी है। चीनी? अरे चीनी खाने से तो दांत खराब हो जाएंगे, दांत दांत आ गए आपके सारे, टीथ ई ई दिखा ई ई ई नहीं दिखानी। तो यहाँ पे जो है स्पून और साथ में यहाँ पर ये प्लेट्स लगी हुई है, सेम यही कोर्स जो है यहाँ पे है, आधा इस साइड पे है और आधा उस साइड पर है। और फिलहाल यहाँ पे जितने लोग सुबह के आए हैं वो यहाँ पे कूलर के सामने मज़े ले रहे हैं। हाँ जी चालू कर दिया, नंबर आ रहे हैं ले। तो हम लोग अटैक कर चुके हैं हमारे ब्रेकफास्ट के ऊपर में, और ये पहले ही अटैक करके सबको ख़त्म कर चुके हैं और हमारा अभी बाकी है। आपको टेस्टी लगा? हाँ। क्या टेस्टी लगा? सब कप सब। अच्छा सब टेस्टी लगा, चलो इनको सब टेस्टी लगा। फिलहाल मुझे जो है छोले कुलचे और दही बहुत मस्त है, घर का बना हुआ है, सो वेरी गुड। तो अभी हम इसको जल्दी से खा के फिनिश करते हैं। ये कमरे में ये हमारी छोटी सी बच्ची चली गई है, हेलो, ये कौन है इस पे? कौन है ये छोटा बच्चा है इस पे? छोटा बच्चा है। यहाँ पे हमारी आंटी को नींद आ रही है, नाश्ता कर लिया आंटी? मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। ये प्लॉट खरीदा है हमने नया, ये अली भाई ने प्लॉट खरीदा है, तो अब यहीं पे रहेंगे हम लोग, अब रोज सुबह यहाँ पे बॉन्डिंग वॉक करना और सुबह खेती करना। नहीं मुझे तो मुझसे तो कुछ भी नहीं होता। अरे अभी घोड़े चढ़ोगे ना सब सही हो जाएगा एकदम। अब ये कह रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ पे है। ये बच्चा कहाँ जा रहा है, ये बच्चा कहाँ जा रहा है? बाहर चल रहा बच्चा, एवरेस्ट चढ़ रहा है, एवरेस्ट, यस कम ऑन कम ऑन, या चढ़ गया बच्चा, चढ़ गया। सो यहाँ पे हम लोगों का चिल आउट स्टार्ट हो गया है और ये देखिए हमारे छोटे साहब यहाँ आ गए और सडनली यहाँ लाइट चली गई,
यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि बार बार लाइट चली जाती है, तो एक बार जनरेटर और एक बार जो है इलेक्ट्रिसिटी में जो है बार बार शिफ्ट होता रहता है। और वहाँ पे देखिए आधे लोग बच्चे वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और ये हमारे वाले यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। ये चेंजिंग रूम है, यहाँ पर जो है एक तरफ लेडीज़ और एक तरफ जेंट्स, यहाँ पे अभी चेंज करके और फिर जाएंगे। एक तरफ से घुस के और दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। और यहाँ पे क्या है जी, ये इधर और एक्टिविटीज़ हैं, चेंजिंग रूम एंड वॉशरूम ये है। और ये हमारे छोटे 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 स्विमर यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे स्विमर स्विमिंग कर रहे हैं। रेनू हेलो, स्विमिंग कर रहे हो? क्या बेटा ये देख रही है, तो कैसे फ्लोट करते हैं उसे पूछो। ये देखो कैसे फ्लोट कर रही है। आजा आजा, इसमें अभी वो नहीं है, पंप नहीं स्टार्ट किया उन्होंने। पानी सारे बच्चे यहाँ पे खूब एंजॉय कर रहे हैं। और ये हमारे वाले जो हैं अभी ये आ रहा है बाहर। हमें जो है रूम अलाउड हो चुका है। और रूम के लिए क्या है, यहाँ पे हम लोग थे, ये पूल साइड है। और यहाँ से अंदर आने के बाद में ये पूरा कॉरिडोर है जो कि रूम इधर लगता है। तो इस हमारे को ये रूम मिला हुआ है, हेलो रूम नंबर 2। और इसके अंदर में रूम अच्छा लग रहा है, पूल में मज़ा आया? हाँ। बहुत मज़ा आया। हाँ। चलो Hello. तो अब हम आ गए हैं अपने रूम के अंदर में। और रूम में देखिए ये पूरा जो है थोड़ा सा ट्रेडिशनल और गांव टाइप का एम्बियंस देने के लिए जो है ना ये ऐसा बनाया हुआ है। ये वॉल पूरा मिट्टी का वॉल है और यहाँ पे जो थोड़ा सा पेड़ टाइप का ये बना रखा है। लो लाइट है, कोई बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास में 3 बेड हैं, मतलब एक तो ये चारपाई दे रखी है, आपको दिख रही होगी ये चारपाई है। ये वुडन बेड है, वहाँ पे बैठने के लिए थोड़ा सा चेयर टेबल दे रखा है। और एसी फैन यहाँ पे, टेबल और टीवी ये सब जो है अवेलेबल है। थोड़ा सा ये कि लो लाइट है, मतलब अपनी अपनी बात है, किसी को ब्राइट पसंद आता है, किसी को लो पसंद आता है, लेकिन ऑल ओवर ठीक है। अब नाइट स्टे कर रहे हैं यहाँ पे, तो नाइट स्टे करने के बाद में रात का क्या एम्बियंस रहता है वो देखते हैं। और ये हमारे भाई साहब कुछ कहेंगे, बताइए जी क्या कहना चाह रहे हैं। ये घर बहुत अच्छा है, ड्राइंग देखो, इनसे बात कीजिए। तो रूम से निकलने के बाद में अब आ गए हैं हम लोग गार्डन में। ये सामने इधर जो है ये सारा रूम है, सामने इधर जो है कुछ की बास्केटबॉल, आर्चरी, डार्ट, गुलेल, बॉल टू बॉल इस तरह का है। यहाँ पे ट्रैम्पोलिन है। तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से क्या कहते हैं इवेंट हैं, तो वो करते हैं।